तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट, इसमें हम मिलाएंगे पिंच मैदा और थोड़ा सा गुनगुना पानी जिसमें हम ईस्ट को अच्छे से मिक्स कर सकें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, और पानी भी आप बहुत ज़्यादा गर्म ना लें और इतना भी गुनगुना ना लें कि मिक्स करते करते ही ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ईस्ट जो है वो पूरा अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे एक्टिवेट होने के लिए। तब तक हम हमारा आटा एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैं आज की फुल रेसिपी मैदे की बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 3/4 आटा और 1/4 मैदा यूज़ करें। पूरे आटे का इतने अच्छे से बनता नहीं है, थोड़ा दवा दवा जमा सा नान बनता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मैदा ज़रूर मिलाएं। और यहाँ तो मैं पूरा ही मैदे का बना रही हूँ, और मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ आधा किलो मैदा, तो ये 510 ग्राम हो गया है, पर कोई बात नहीं। इसमें मैं मिलाऊंगी 1/2 TSP नमक, 1 टीस्पून चीनी, यहाँ मैंने पाउडर चीनी नहीं ली है, साबुत चीनी है, और इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून लेने वाली हूँ यहाँ पे घी। आप घी के बदले बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ हमने आटा मिक्स कर लिया है, और ये देखिए ईस्ट में भी हमारे खमीर उठ चुका है। अगर आपके ईस्ट में खमीर ना उठे, ये एक्टिवेट ना हो, इस तरीके से जो बबल्स आ जाते हैं और झाग आ जाता है ऊपर, ये ना आए, तो आप समझ जाइए कि आपका ईस्ट ख़राब हो गया है। तो उससे अगर आप आटा गूंदेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारा ईस्ट मैं डालूंगी इस आटे में। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको नॉर्मल पानी से आटा गूंदें, और अगर ठंड का मौसम है तो हल्का सा गुनगुना पानी ले लें, क्योंकि ठंड के मौसम में कई बार जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आटे को डबल होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है, और हम थोड़ा थोड़ा इसको पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस आटे को हमें फिंगर से इस तरीके से मिक्स करना है, इस तरीके से पूरा दबा के मिक्स ना करें। तो ये देखिए इसको हमें बस इसी तरीके से मिक्स करना है कि जो सारा आटा है ये आपस में इस तरीके से बंध जाए। रोटी जैसे हमें इसको इस तरीके से पंचिंग करके नहीं गूंदना है। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके किचन का प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बोर्ड है बड़ा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने हल्का सा लगाया है रिफाइंड ऑयल, और इस आटे को हमें पंचिंग करते हुए नहीं, स्ट्रेच करते हुए स्मूथ करना है। हो सकता है कि ये 5 मिनट में भी स्मूथ हो जाए, पर आपको इसे कम से कम 15 मिनट इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ताकि हमारा आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अगर आपका आटा गीला गलती से हो गया तो ये प्लेट में चिपकेगा, इसके लिए आपको बार बार इसमें तेल लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ 5 मिनट में मेरा आटा स्मूथ हो गया है, पर हमें इसे अभी और स्मूथ करना है, तो इसलिए इसे 15 मिनट, जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच करेंगे आपका आइटम उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप चाहे नान बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, पिज़्ज़ा बना रहे हो, किसी भी रेसिपी के लिए जब भी ईस्ट का आप कोई आटा गूंदते हैं तो उसको बहुत अच्छे से आटे को मस लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो चुके हैं आटे को मसलते हुए, और आप देखेंगे अब ये बिल्कुल भी प्लेट में भी नहीं चिपक रहा है,
और ये देखिए कितने अच्छे से ये चिकना हो चुका है। इसकी हम बनाएंगे इस तरीके से एक बॉल। और जिस बर्तन में हमें रखना है उसमें हम हल्का सा हर तरफ तेल लगा देंगे। उसके ऊपर रखेंगे हम हमारा नान का डो, हल्के हाथों से उस ऊपर भी ऑयलिंग करेंगे। और यहाँ मैं इसको 2 घंटे के लिए ढक के रख रही हूँ। गर्मी के मौसम में ये 1.5 घंटे में भी अच्छे से उठ के डबल हो जाता है, और ठंड के मौसम में अगर वो 2 घंटे में ना हो तो परेशान ना हो, हो सकता है वो 3 घंटे में हो जाए, क्योंकि कई बार ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो आटा डबल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और जब तक ये आटा डबल हो रहा है आप अपनी सब्जी रेडी कर सकते हैं बना के। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 घंटे बाद हमें इसे कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो भी थोड़ा सा फूल चुका है। इसकी हम निकालेंगे इस तरीके से हवा। और यहाँ मैंने ये बोर्ड लिया हुआ है, चॉपिंग बोर्ड है ये, इस पे इसको हम बेलेंगे। आप चाहें तो इस पूरी डो को आप अपनी लोई में बांट सकते हैं बराबर बराबर, पर मैं यहाँ एक एक करके बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। और इसको अब हम बेलेंगे। ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये मैंने कितना पतला बेला है, क्योंकि इसको जब हम बेक करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेगा, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है कि ये सेकने में भी टाइम ले। और जब तक मैं ये बेल के रेडी कर रही हूँ, मैंने ओवन को 210 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ है। तब तक हम हमारा ये नान जो है उसको बेल के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी कि आप प्लेन नान और गार्लिक नान कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा घी मेल्ट कर लिया है, आप घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको जितने नान बनाने उसके अकॉर्डिंग आप घी मेल्ट करें। उसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े से ग्रेट किए हुए गार्लिक। इसको हम इस तरीके से घी में कर लेंगे मिक्स, और इसको मैं लगाऊंगी हमारे नान पे। और इसके साथ ही इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो यहाँ पे हमारी गार्लिक नान बेल के रेडी है। इसको मैं अब शिफ्ट करूँगी हमारे बेकिंग ट्रे में। और हमारे प्लेन नान का जो मेथड है उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा दूध, उसमें मैं डालूँगी 1/4 TSP चीनी और थोड़ा सा घी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। दूध गर्म होगा तभी चीनी और घी इसमें मिक्स हो पाएंगे, इसलिए दूध को हल्का सा गर्म रखें। और अब हम प्लेन नान जो है उसको बेल लेते हैं, उसके बाद मैं इस पर लगाती हूँ।
प्लेन नान के लिए वाइट वॉश लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो नान है वो बेक होते टाइम सूखे ना, कड़क ना हो, उसमें हल्की सी सॉफ्टनेस रहे। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा पतला ही बेला है और इसको हम बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करके उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे ये वाइट वॉश और मिल्क वॉश जो है। अब आप चाहे तो इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन रखें, इसके ऊपर आप तिल या धनिया पत्ता डालना चाहते हैं तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रही हूँ और एक गार्लिक नान। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, इसको अब मैं डालूँगी 15 मिनट के लिए सेम 210 डिग्री पे बेक होने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बेक हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 से 15 मिनट में हमारी नान जो है वो सिक के तैयार है। इसके ऊपर अब हमें लगाना है गर्मा गर्म घी। आप चाहें तो बटर लगाएं, चाहें तो घी लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं और उसको गर्म गर्म सर्व करें। इसी तरीके से मैं अपनी बाकी नान भी रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहें तो कुछ ना करें, एक बार ये नान ज़रूर ट्राई करें। Thank you for watching.